नमस्कार किसान भाइयों, मैं निखिल त्रिपाठी लाइव टुडे के इस खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हर बार हम आप सबके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, उसी तरह हम आज फिर से हाजिर हैं आप सबके लिए बहुत कुछ खास लेकर। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम बात करेंगे गुलाब की खेती की। गुलाब हजारों सालों से जंगलों और बगीचों में उगता रहा है और गुलाब की खेती व्यावसायिक स्तर पर करके काफी लाभ कमाया जा सकता है। गुलाब की पंखुड़ियों और शक्कर से गुलकंद बनाया जाता है। गुलाब जल और गुलाब इत्र के कुटीर उद्योग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जौनपुर में गुलाब के उत्पाद का उद्योग चलता है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी गुलाब के उत्पाद के उद्योग हैं। दक्षिण भारत में गुलाब के फूलों का खूब व्यापार होता है। मंदिरों, मंडपों, समारोहों, पूजा स्थलों में गुलाब के फूलों की भारी खपत होती है और ये आर्थिक लाभ का साधन है। यहाँ हजारों ग्रामीण युवा फूलों को अपनी आय का माध्यम बना रहे हैं। देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट। आपको गुलाब घरों में, गमलों में, बगीचे की क्यारी में, आंगन में अवश्य देखने को मिल जाएगा। जैसे फलों का राजा आम होता है, वैसे ही फूलों की बेगम गुलाब है। गुलाब का रंग और सुगंध सबके मन को मोह लेते हैं। गुलाब के फूलों से गुलकंद, गुलाब जल, तेल, इत्र, जैम, जेली, पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। गुलाब के फूलों की डंडी और गुलदस्ते बड़े पसंद किए जाते हैं। नवीनतम तकनीक से गुलाब की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। आइए जानते हैं गुलाब उगाने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। ध्यान देने योग्य बातें: गुलाब उगाने के लिए पर्याप्त धूप का होना आवश्यक है। गुलाब को दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की खुली धूप देना आवश्यक है। गुलाब के पौधों के लिए पर्याप्त जीवाश्म युक्त मिट्टी अच्छी होती है। बहुत चिकनी मिट्टी गुलाब की खेती के लिए अनुकूल नहीं होती है। मिट्टी का जल निकास और वायु संचार सुचारू रूप से होना चाहिए। भूमि में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। गुलाब को विश्व भर में पसंद किया जाता है। इस पर व्यापक अनुसंधान और विकास कार्य किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुलाब प्रेमियों का संगठन है जो नई किस्मों के विकास, मानकीकरण आदि करते हैं। इसके अनुसार पौधों की बनावट, ऊंचाई, फूलों के आकार के आधार पर इन्हें कई वर्गों में बांटा गया है। आइए अब हम जान लेते हैं गुलाब की किस्मों के बारे में, ताकि मांग के अनुसार गुलाब की खेती की जा सके और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। गुलाब की किस्में: हाइब्रिड टी, फ्लोरीबंडा, ग्रैंडीफ्लोरा, पॉलीएंथा, मिनिएचर, रेम्बलर। किसान भाइयों, गुलाब एक भारतीय पुष्प है और पूरे भारत में गुलाब के पौधे पाए जाते हैं। गुलाब की खेती करके किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। फूलों की बढ़ती मांग और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बड़ी फूल मंडी उपलब्ध होने से इनकी बिक्री की कोई समस्या नहीं है। देसी गुलाब लाल रंग का होता है, पर कलम इसकी करके आप कई रंगों के गुलाब उगाए जा सकते हैं। गुलाब का फूल दिखने में जितना ज्यादा सुंदर होता है, उससे कहीं ज्यादा उसमें औषधीय गुण होते हैं और ये सबसे पुराना सुगंधित पुष्प है। गुलाब अपनी उपयोगिताओं के कारण सभी पुष्पों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आमतौर पर गुलाब का पौधा ऊंचाई में 4 से 6 फुट का होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस व्यावसायिक फूल यानी कि गुलाब की खेती कैसे करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। कई गांवों में कुछ लोग सालों से इत्र और गुलाब जल बेचकर उसे अपने आय का साधन बनाए हुए हैं। अरब के देशों में गुलाब से बनाए गए इत्र की भारी मांग है। गांव में भी 1 लीटर गुलाब जल की कीमत तकरीबन 100 रुपए मिल जाती है। साथ ही साथ गुलाब से बने शरबत की भी बहुत मांग है। गुलाब काफी समय से लोगों की आय का साधन बना हुआ है। गुलाब की खेती करने से पहले हम गुलाब की खेती से संबंधित सावधानियों के बारे में जान लेते हैं, जिससे खेती के वक्त हमें ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आवश्यक सावधानियां: बरसात के मौसम में गमलों और क्यारियों में बहुत देर तक पानी भरा ना रहने दें। हर साल पौधे की छटाई कर गमले के ऊपर की 2 से 3 इंच मिट्टी निकालकर उसमें उतनी ही गोबर की सड़ी खाद भर दें। हर 2 से 3 साल बाद संपूर्ण पौधे को मिट्टी समेत नए गमले में पलट दें। मिट्टी पलटने की प्रक्रिया सितंबर अक्टूबर में करें। गुलाब के फूल न सिर्फ अपनी खुशबू से मन को सुकून पहुंचाते हैं, बल्कि ये हमारी त्वचा का भी ख्याल रखते हैं और चेहरे पर निखार लाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि गुलाब की पंखुड़ियों के कई फायदे हैं।
अभी तक हमने बात की गुलाब के व्यावसायिक फायदों की, अब हम आपको बताएंगे गुलाब हमारे चेहरे के लिए कितना फायदेमंद है। गुलाब के फायदे। गुलाब की पंखुड़ियां और गुलाब जल त्वचा को नमी देने के साथ साथ ताजगी देता है। त्वचा में ऑयल को कंट्रोल करता है और पीएच बैलेंस बनाए रखता है। गुलाब जल और नींबू के रस से बना टॉनिक चेहरे पर लगाने से कील मुहासे कम होते हैं। गुलाब से बना गुलाब जल आंखों को स्वस्थ रखता है। तो किसान भाइयों, ये तो थी गुलाब की खेती से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप व्यावसायिक फसल यानी गुलाब की खेती कर सकते हैं और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में। किसान भाइयों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप गुलाब से निर्मित उद्योगों को अपनाकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम आपको गुलाब की खेती से जुड़ी समस्त जानकारियों से रूबरू करवाएंगे। इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। वर्तमान में सौंदर्य प्रसाधनों की मांग बढ़ने के साथ गुलाब के तेल का सालाना उत्पादन लगभग 18 से 20 टन है, जबकि इसकी मांग कई गुना अधिक है। भाइयों, अगर आप गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो मानसून के साथ ही इसकी रोपाई प्रारंभ कर दें। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको गुलाब की खेती के लिए सही जलवायु, समय और भूमि की जानकारी देते हैं। जलवायु और समय। गुलाब के फूल साल भर प्राप्त होते हैं। जाड़े के मौसम में उच्च गुणवत्ता वाले और आकार में बड़े फूल प्राप्त होते हैं। इसके खिलने का मुख्य समय मार्च का महीना है। फूलों की उत्तम पैदावार के लिए प्रचुर मात्रा में धूप की आवश्यकता होती है। आर्द्र जलवायु गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। भूमि। उचित व्यवस्था करके गुलाब की खेती सभी तरह की भूमियों में भलीभांति की जा सकती है। उचित जल निकास वाली बलुई दोमट भूमि ज्यादा बेहतर है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। खेत की गहरी जुताई करके पाटा लगाकर खेत को तैयार कर लेना चाहिए। उत्तर भारत में पौध की रोपाई पौधशाला से सावधानी पूर्वक पौध खोदकर सितंबर अक्टूबर तक करनी चाहिए। रोपाई करते समय ध्यान दें कि पिंडी से घास फूस हटाकर भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पौधों की रोपाई करनी चाहिए। पौध लगाने के बाद तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि गुलाब के पौधों की रोपाई किस तरह से की जाए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि गुलाब में ऑर्गेनिक खाद की मात्रा कितनी हो जिससे आप उम्दा किस्म के गुलाब उगा सकते हैं। पौध रोपण। गुलाब के पौधे औसतन 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। विशेष प्रजाति में ये दूरी कुछ कम या अधिक भी हो सकती है। पॉलीएंथा समूह की किस्मों को 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपण करते हैं। मिनीएचर समूह की किस्मों को 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑर्गेनिक खाद। गुलाब की फसल में ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग फूलों के अच्छे उत्पादन में सहायक होता है। एक एकड़ भूमि में 35 से 40 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाएं। 40 किलोग्राम बैग माइक्रो फर्टिसिटी कंपोस्ट का प्रयोग करें। भू पावर वजन 50 किलोग्राम का प्रयोग करें। माइक्रो नीम वजन 20 किलोग्राम को खेतों में अच्छे से मिलाएं। 50 किलो अरंडी की खली के साथ इन सभी खादों को अच्छी तरह मिलाएं।
मिश्रण तैयार कर खेत में बुआई से पहले समान मात्रा में बिखेर लें। जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तब उसमें 1 किलोग्राम सुपर गोल्ड मैग्नीशियम का छिड़काव करें। दूसरा और तीसरा छिड़काव हर 15 से 20 दिन के अंतर पर करें। गुलाब के लिए सिंचाई का प्रबंध उत्तम होना चाहिए क्योंकि गुलाब को अधिक नमी की आवश्यकता होती है। नमी न होने पर पौधे के सूख जाने का खतरा होता है। पहली सिंचाई पौध लगाने के तुरंत बाद करना आवश्यक होता है और उसके बाद मौसम के अनुसार पौधे की सिंचाई करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि गुलाब में सिंचाई प्रबंधन किस तरह से आप कर सकते हैं। सिंचाई प्रबंधन, गर्मी में 5 से 7 दिनों के बाद सिंचाई करें। सर्दी में 10 से 12 दिनों के बाद सिंचाई करते रहना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में अगर खरपतवार ना नष्ट किए जाएं तो फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खरपतवार हमारी की हुई मेहनत पर पानी फेर सकता है। खरपतवार पौधों के पोषक तत्वों को सोख लेता है जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। गुलाब में कई बीमारियां और कीट लगते हैं जिससे फसल को बहुत नुकसान होता है। इनसे फसल को बचाना बहुत आवश्यक है। आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे और किस वक्त निराई गुड़ाई करनी चाहिए, साथ ही कीट प्रबंधन के बारे में भी जानेंगे। निराई गुड़ाई, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में कटाई छटाई के लिए अक्टूबर का दूसरा सप्ताह सर्वोत्तम होता है। जब निराई गुड़ाई की जा रही हो तो उस वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए। पौधों की कटाई छटाई के बाद नवंबर से जनवरी तक 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से बचाया जा सकता है। कीट नियंत्रण, कीट माह प्रभाव, ये फूलों और पत्तियों का रस चूसकर पौधों को सौंदर्यहीन बना देते हैं। रोकथाम, इसकी रोकथाम के लिए 250 मिलीलीटर पानी को गौमूत्र में माइक्रोझाइम के साथ मिलाकर छिड़काव करें। कीट शल्क कीट प्रभाव, ये कीट पौधों की पत्तियों को विकृत बना देते हैं। रोकथाम, इसकी रोकथाम के लिए 250 मिलीलीटर पानी को गौमूत्र में माइक्रोझाइम के साथ मिलाकर छिड़काव करें। रोग नियंत्रण, रोग डाईबैक पहचान, ऊपर से नीचे की ओर काला पड़ जाना ही इस रोग की प्रमुख पहचान है। रोग से ग्रसित शाखाओं को काटकर उस पर गाय के ताजे गोबर का लेप लगा देना चाहिए। रोग पाउडरी मिल्ड्यू पहचान, पत्तियां सफेद रंग की दिखाई देने लगती हैं, इससे फूलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। रोकथाम, इसकी रोकथाम के लिए 250 मिलीलीटर पानी को गौमूत्र में माइक्रोझाइम के साथ मिलाकर छिड़काव करें। पौध लगाने के 1 साल बाद गुलाब के पौधों की कटाई छटाई की जाती है और इसके बाद हर साल ये क्रिया आवश्यक रूप से की जाती है। कटाई छटाई का उपयुक्त समय अक्टूबर का तीसरा सप्ताह होता है और इस क्रिया से फूलों की अधिक संख्या प्राप्त होती है। रोग से ग्रसित टहनियों को काटकर पौधे को एक संतुलित रूप और आकार प्रदान किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको गुलाब की कटाई और उपज के बारे में जानकारी देते हैं। कटाई छटाई, फूलों को तेज चाकू या ब्लेड की सहायता से काटना चाहिए। फूलों को काटने के बाद तुरंत उन्हें पानी से भरी बाल्टी या टब में रखकर एकत्रित करना चाहिए। फूलों को दूर के बाजार में भेजना हो तो फूल को डंठल के साथ काटें। उपज, गुलाब के पौधे पर 1 साल में लगभग 25 से 35 तक फूल आते हैं। 1 हेक्टेयर में लगभग 32 से 35 हजार पौधे लग जाते हैं। 6 से 7 लाख फूल हर साल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो जाते हैं। एक बार पौध लगाने के बाद उससे 8 से 10 साल तक फूल प्राप्त होते रहते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो थी गुलाब की खेती से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। अगर आपको खेती किसानी या पशुपालन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको किसानों द्वारा पूछे गए खेती से जुड़े सवालों से रूबरू करवाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में अब तक हमने आपको कई सारी फसलों, फलों और फूलों की खेती के बारे में बताया है। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं दूर हो सके, इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है, जिस पर हमें किसानों की ओर से सराहना तो मिली ही है, साथ ही उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए हमसे संपर्क भी किया है और कई किसान भाइयों के सवालों का हमने अपने विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी किया है। तो कुछ ऐसे ही सवाल आज हम आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। ये वो सवाल है जिसे किसान भाइयों ने हमसे पूछा है और उसका जवाब जानने की कोशिश की है। ललितपुर के रहने वाले किसान भाई राजू यादव ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर कॉल के माध्यम से अपनी समस्या रखी है। उनका क्या सवाल है, आइए जानते हैं। आपका सवाल, मसूर की खेती और सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार करें? हमारा जवाब, राजू जी, सामान्यतः मसूर की फसल असिंचित क्षेत्रों में ही की जाती है। सिंचाई सुलभ हो तो बुआई पलेवा लगाकर करना चाहिए, इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और अंकुरण अच्छा होता है। मसूर में इसके बाद सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगर पानी उपलब्ध हो तो एक सिंचाई फूल आने के पहले देने से उपज अच्छी होती है। मावट की बरसात हो जाए तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक सिंचाई मसूर को हानि पहुंचा सकती है। राजू जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे सवाल के बारे में। बुलंदशहर के रहने वाले किसान भाई रंजीत ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क करके अपनी समस्या रखी है। उन्होंने हमसे जानना चाहा है। आपका सवाल, क्या बुलंदशहर की जलवायु में काली मिर्च की खेती की जा सकती है? हमारा जवाब, रंजीत जी, काली मिर्च एक उष्णकटिबंधीय संयंत्र है और ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने पर काली मिर्च का विकास नहीं होता है। औसत ठंडी वाली जलवायु आवश्यक होती है। काली मिर्च के पौधों के लिए सालाना 2000 मिलीमीटर बारिश की जरूरत होती है। भूमि का पीएच मान 5.5 से 6.0 तक अच्छा माना जाता है। काली मिर्च की खेती के लिए लाल रेटेराइट मिट्टी और लाल मिट्टी उत्तम मानी जाती है। जिस भूमि में काली मिर्च की खेती की जाती है उस खेत की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। रंजीत जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। गोरखपुर के रहने वाले किसान भाई प्रेम मिश्रा ने भी हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर अपनी समस्या रखी है। उनका क्या सवाल है, आइए जानते हैं। आज का सवाल, चुकंदर की पत्तियों पर कीड़े लग रहे हैं, उनके रोकथाम के लिए उपाय बताइए। हमारा जवाब, प्रेम जी, बीटल कीट पत्ती काटने वाला कीड़ा होता है। नियंत्रण के लिए अगेती फसल बोएं। मेटासिटॉक्स या मेलाथियान का 0.2% का छिड़काव करें। रोग, पत्तियों का धब्बा रोग, इस रोग में पत्तियों पर धब्बे जैसे हो जाते हैं। गोल छेद बनकर पत्ती गल जाती है। नियंत्रण के लिए फंजीसाइड जैसे डाइथेन, M45 या बेवस्टीन के 0.1% घोल का छिड़काव करें। रसायन का छिड़काव 15-20 दिन के अंतर पर करने से आक्रमण रुक जाता है। प्रेम जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्याएं और उनके समाधान जो कि आपने हमसे पूछे थे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा और हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर संपर्क करते रहेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे।
आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।